अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी की जो सीरीज़ है उसे आगे लेकर जाने वाले हैं, जिसमें हम हमारा चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे जो कि था डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जिसको हम उर्दू में कह रहे थे नमूई नफ्सियात। इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लेक्चर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बलीदगी, नमो और पुख्तगी के फ़र्क को पढ़ना है। बलीदगी क्या है हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, नमो के बारे में भी और पुख्तगी के बारे में भी। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम इनमें फ़र्क पढ़ेंगे। फ़र्क पढ़ लेते हैं अब हम, तो बलीदगी, नमो और पुख्तगी का फ़र्क पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि बलीदगी क्या होती है, अज़ा का एक हद तक बढ़ना। अज़ा से मुराद हो जाएंगे हमारे दिमाग का बढ़ना, जिस्म के अंदर जितना इनर निज़ाम है, यानी उनका बढ़ना हो गया, हड्डियों का बढ़ना हो गया, कद का बढ़ना हो गया, ये तमाम चीज़ें, अमले मोजिश का हो गया, ये तमाम चीज़ें बलीदगी के अमल में आती हैं। और नमो इससे अलग कैसे है? वैसे तो नॉर्मल कहा जाता है बलीदगी और नमो, इन दोनों में फ़र्क नहीं है, है भी तो बहुत कम फ़र्क है। तो वो कम फ़र्क की वजह से इनके फ़र्क को बनाया गया है। जैसे कि नमो है, नमो बलीदगी क्या थी, अज़ा का बढ़ना। तो नमो क्या है, तरतीब वार और मरबूत तब्दीलियाँ, मतलब जो उम्र के लिहाज से आए, कि मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं वैसे वैसे आप कुछ ना कुछ, आप में कोई चेंजिंग अक्कर होती रहे, आपकी अमोजिश के अमल में आ गई, अदराक के अमल में आ गई, वो तमाम चीज़ें नमो के अंदर आ जाएंगी। इसी तरह से पुख्तगी अलग कैसे है, पुख्तगी जो होती है वो एक ख़ास उम्र के दर्जे की ज़रूरत के मुताबिक अफ़ाल को सरजद करने की तैयारी का नाम होता है। हमें पहले ही पता है कि जो बलीदगी है, सॉरी जो पुख्तगी है, उसकी बुनियाद ही बलीदगी है। जब बलीदगी एक ख़ास अमल तक पहुँचती है तो उसके बाद अमले मोजिश जब शुरू हो जाता है तो उसे हम पुख्तगी का नाम दे देते हैं, कि अमले मोजिश पुख्तगी में आ जाती है, कि आप चीज़ों को समझते हो, चीज़ों को समझ रहे होते हो, सीख रहे होते हो, लेकिन किस बेस पर सीख रहे होते हो, जैसे जैसे आप छोटा सा बच्चा एक है, अगर एग्जांपल दी जाए तो एक छोटा सा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी को अब आप कहें कि वो साइकिल चलाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बलीदगी की मदद से जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उसके बाद वो ये काम करने के काबिल होगा। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि पुख्तगी ख़ास उम्र के दर्जे, मतलब इंसानी एज के जो दर्जात हैं, कि छोटा बच्चा क्या काम कर सकता है, बड़ा बच्चा क्या काम कर सकता है, उससे बड़ा क्या कर सकता है, युवा क्या, सॉरी बलूगत तक पहुँच के बच्चा क्या कर सकता है, उधेड़ उम्र में क्या लोग करते हैं, वो तमाम चीज़ें। अब पुख्तगी एक ख़ास उम्र के दर्जे की ज़रूरत के मुताबिक है, मतलब इंसान जिसका उम्र के उस हिस्से में पहुँच के जो काम करने के काबिल हो जाता है वो पुख्तगी में आएगा। फिर आता है बलीदगी में सिर्फ मिकदारी यानी कि कमीती तब्दीली आती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं बलीदगी के टॉपिक में। नमू के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि नमू में दो तब्दीलियां आती हैं, दो किस्म की तब्दीलियां होती हैं, कमीटी और दूसरी कीफ्ती। ये दो तब्दीलियां हमारे पास नमू में अक्कर होती हैं। बलीदगी पुख्तगी की बुनियाद है, या यूँ कह लो कि बलीदगी है तो पुख्तगी है। तो यहाँ पर अगर बलीदगी में कमीटी मकदार है तो पुख्तगी भी उन्हीं मायनों में लिया जाएगा। तो बलीदगी और पुख्तगी, बलीदगी जो है वो पुख्तगी की बुनियाद बनी हुई है। उसके बाद बलीदगी जो है वो तमाम उम्र जारी और सारी नहीं रहती, मतलब इंसान के कद का बढ़ना एक हद तक होता है, रुक जाता है, जब तक हार्मोन्स हैं तब तक ये बढ़ता है, फिर ख़त्म हो जाता है। हड्डियाँ एक हद तक मजबूत होती हैं, बड़ी होती हैं, उसके बाद रुक जाती हैं। इसी तरह से जो नमो है युवा, यानी कि वो शक में मादर से लेके मौत तक का जो अमल है उसमें जारी और सारी रहती है, मतलब सारी उम्र नमो का अमल जारी और सारी रहता है। पुख्तगी का अमल शुरू ही कब होता है, दर्जाए बलूगत से, यानी कि दर्जाए बलूगत जो है वहीं से जो है अमोजिश का अमल शुरू हो जाता है बलीदगी में। तो वही जो दर्जा है वो पुख्तगी का दर्जा होगा, यानी कि पुख्तगी का अमल कब शुरू होता है, बलूगत से। तो ये कुछ डिफरेंस थे, ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ जाता है, इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। लाजमी नहीं कि वो तीनों की फ़र्क कोई पूछे, हो सकता है वो बलीदगी और नमो का फ़र्क पूछ ले, हो सकता है वो आपसे नमो और पुख्तगी का फ़र्क पूछ ले, हो सकता है बलीदगी और पुख्तगी का फ़र्क पूछ ले। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कई तरीक़ों से आपके पेपर्स में आया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बलीदगी और नमो के पहलू, जो ये तीन पहलू हैं उन तीन पहलुओं को हम डिटेल में इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।